पीएफआई सदस्य से ईडी की पूछताछ में बड़ा पर्दाफाश। पीएफआई सदस्य ने कहा, इस साल 12 जुलाई को पीएम मोदी का पटना दौरा टारगेट पर था। रैली के दौरान माहौल बिगाड़ने का था मंसूबा। पिछले एक साल में करीब 120 करोड़ पीएफआई के अकाउंट में आए। पीएफआई के 2047 के प्लान का पर्दाफाश। एटीएस को आरोपी मजहर खान के घर से मिली 2047 नाम की बुकलेट। बुकलेट में पीएफआई के 25 साल की प्लानिंग और ऑपरेशन से जुड़ी हुई जानकारी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में अब से थोड़ी ही देर में पीएम मोदी की बड़ी जनसभा। पीएम के युवा विजय संकल्प रैली को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी पूरी। सभा में पहुंचेंगे 1,00,000 युवा। गृह मंत्री अमित शाह ने किशनगंज के बूढ़ी काली माता मंदिर में की पूजा। किशनगंज में आज अमित शाह के कई कार्यक्रम। सीमा सुरक्षा को लेकर भी करेंगे बैठक। आज से शुरू हो रहा है कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी लड़ेंगे चुनाव। राजस्थान के मंत्री ने की सचिन पायलट को अगला सीएम बनाने की मांग। ऋषिकेश के एक नहर में मिला अंकिता भंडारी का शव। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के रिजॉर्ट पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जांच के लिए एसआईटी बनाने के दिए आदेश। चाहे कोई भी हो, अपराधी इसमें बक्सा नहीं जाएगा। दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश से बड़ी आफत। गुरुग्राम की सड़कों पर भारी जल भराव से हुई धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। गाजियाबाद और नोएडा में 8वीं क्लास तक के स्कूलों की आज छुट्टी। यूएन में पाकिस्तान ने फिरा लापा कश्मीर का राग। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा, कश्मीर मुद्दे का निकले स्थायी समाधान। रविवार को यूएन में भारत देगा जवाब। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। नंबर 1 आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1, आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।